हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं कि निकल सागर जी, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, उन्होंने वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ दिया है जिनको बताना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूं या फिर उनको रॉन्ग प्रूफ कर रहा हूं। उन्होंने बस कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनको छोड़ दिया है, अधूरा बोला नहीं, मैं बस उन पॉइंट्स को पूरा कर रहा हूं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मैं उनका गलत प्रूफ कर रहा हूं और भी कुछ, तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो इससे मुझे बहुत हिम्मत मिल जाएगा और भी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो चलिए समय की बिना वेस्टेज करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें सागर जी ने दो वीडियो दिखाया था, उनमें से एक वीडियो में ये दिखाया गया था कि एक महिला है जिनके हाथ में एक स्मार्टफोन एक फ़ोन है जिनसे वो बात कर रहे थे। तो अगर हम ये मान लें कि वो इंसान ने टाइम ट्रेवल किया है और फ्यूचर में चला गया है और वो फ़ोन में बात कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस समय में है उस समय में ना तो टावर है, मतलब नेटवर्क का कोई फंक्शन अवेलेबल है ही नहीं। अगर वो बात कर रहा है तो किससे कर रहा है? उस समय उस टाइम पे तो फ़ोन हुआ ही नहीं करता था। तो मतलब वो जब बात कर रहा है तो पास्ट से फ्यूचर में बात कर रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस समय में वो है उस समय में तो नेटवर्क नहीं है, टावर्स नहीं है, टेलीकॉम का कोई भी सिस्टम नहीं है। उस समय मुश्किल से रेडियो लोग यूज़ करते थे, तो ऐसे में वो बात कैसे कर सकता है? एक छोटा सा लॉजिकल बात है, शायद सागर जी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया या फिर कहना भूल गए। दूसरी वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़का है जिसके हाथ में एक डिजिटल कैमरा है, तो ऐसे में बात यही आ जाता है, जो डिजिटल कैमरा है वो तो बहुत पहले इन्वेंट कर लिया गया है आज के समय में। तो फिर अगर वो इंसान इस समय से फ्यूचर में गया था, तो अगर इस समय से फ्यूचर में गया था तो इसका मतलब है अभी तक टाइम मशीन को इन्वेंट हो जाना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? मतलब वो जो इंसान है उसको तो वहाँ पे है, इसका मतलब ये मौजूद है कि टाइम मशीन होना चाहिए, उसके अलावा तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर वो ट्रैवल कर सकता है तो टाइम मशीन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक टाइम मशीन नहीं है। इसका मतलब ये सिंपल प्रूफ हो जाता है कि ये फेक है, वो जो वीडियो बनाया गया है वो फेक है, या फिर उस इंसान ने जो स्टेटमेंट दी है वो नकली। तो दूसरी पॉइंट जहाँ पे टेक्निकल सागर जी ने बोला है कि अगर एक इंसान, मतलब टेक्निकल सागर जी ने नहीं बोला, ये पैराडॉक्स की एक थ्योरी है जिसे ग्रैंड पैराडॉक्स कहा जाता है। तो इस थ्योरी के बारे में टेक्निकल सागर जी ने कुछ कहा कि अगर कोई इंसान मतलब वर्तमान जो वक्त है उससे भविष्य में जाता है, पीछे वक्त के पीछे सफ़र करने के बाद वो अगर अपने पिता या अपने माता को मार देता है, तो क्या वो इंसान वापस जब आएगा तब इस टाइम में वो मौजूद रहेगा? तो इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इसके वजह से सिर्फ शायद वो ही नहीं हो सकते, लेकिन टाइम इतनी सीधी चीज़ नहीं है दोस्तों। पैराडॉक्स की थ्योरी में साफ साफ कहा गया है कि हर एक इंसान अपना अपना टाइमलाइन लेके चलता है। जितना उन्होंने समझाने की कोशिश की है मैं उसे ही सहज करके आपको बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंसान भविष्य में जाता है और अपने ही माता पिता को मार देता है तो उसके वजह से सिर्फ वो नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं हैं। बहुत सी बातें हैं जो नहीं होगी, उससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें। अगर आप समझ लीजिए, मैं आज अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं अपना समय उसके साथ बिता रहा हूँ। अगर वहाँ पे मैं नहीं तो वो क्या करेगा? वो कहीं और चला जाएगा। मतलब समय जो है वो अपने आप एक मोड़ ले लेगा। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो वहाँ कोई और होता, अगर कोई और होता तो उसका अंजाम कुछ और हो सकता था, लड़ाई हो सकता था, झगड़ा हो सकता था, वो मर सकता था, वो ज़िंदा रह सकता था, कुछ भी हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर टाइम ट्रैवल कर ले और पीछे जाके अपने ही माता पिता को मर दे या खुद को ही मार दे तो वापस आने के बाद वो रहेगा। वो नहीं भी हो सकता है, वो हो भी सकता है, वो दूसरी बॉडी में हो सकता है, क्योंकि उसका जन्म तो हो गया था, मतलब उसे आना ही था उस वक्त में। तो हो सकता है कोई किसी दूसरी बॉडी में वो खुद को पाए जब वो उनको मारने के बाद वापस आए। तो टाइम एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, इसको समझ क्रिटिकल चीज़ है, इसको समझना शायद ही इंसानी दिमाग के पास में होगा।
लेकिन हम ये आपको साफ साफ कह देना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि टाइम में ट्रैवल करने के बाद वो अगर अपनी माता या पिता को मार दे और उसके बाद वापस आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद वो अलग एक बॉडी में होगा, उसका जो टाइम स्ट्रीम है जो उसके जन्म से शुरू हुआ था वो पूरा बदल जाएगा और इसके वजह से सिर्फ उसी की लाइफ नहीं उसके आसपास की जो लाइफ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ग्रैंड पैराडॉक्स की जो थ्योरी थी उसमें से छोटा और कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। बात हम करने वाले हैं समय यात्रा अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली आपको जानना होगा कि समय की स्पीड कितना है, क्योंकि अगर आप समय में आगे या पीछे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय से तेज़ भागना पड़ेगा या समय से स्लो भागना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी न किसी गैजेट की तो ज़रूरत हमें पड़ेगा ही, लेकिन एग्जैक्टली किसको पता है कि समय की स्पीड कितना है। सभी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि समय की स्पीड लाइट की स्पीड के समान या बराबर होता है। तो चलिए हम भी ये मान लेते हैं कि समय की जो गति है वो लाइट की गति जितनी ही है, मतलब बराबर है। तो अगर हम लाइट की स्पीड से भागें या उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भागें तो समय में आगे पीछे जा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात, तो फिर क्या समय यात्रा करना हो जाएगा? इतनी सी इन्फॉर्मेशन और एक अगर मशीन बना ले जिससे हम उतनी स्पीड से जा सकते हैं तो क्या समय यात्रा कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इससे भी समय यात्रा करना सफल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा ऐसा नहीं है कि समय यात्रा में सिर्फ पैराडॉक्स की थ्योरीज ही हैं। यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी जो है वो भी काम करेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को आपको पता ही है जितनी जोर से फेंकोगे वो उतनी तेज़ी से टकरा के वापस आती है, क्योंकि हर एक क्रिया अपनी दूसरी प्रतिक्रिया भी करता है। तो ऐसे में जब कोई भी अगर यान उतनी स्पीड से चलेगा तो जो स्पीड है उसकी वजह से वो जल जाएगा, क्योंकि बाहर की जो एनवायरनमेंट है जो हवा है वो उसको जला देगा, उतनी स्पीड से जाने ही नहीं देगा। तो आप मान लो जब आप साउंड की गति पकड़ोगे यानी हज़ार से पंद्रह सौ किलोमीटर की स्पीड आप जैसे ही पकड़ोगे वैसे ही धीरे धीरे आप जिस भी यान पे बैठे हो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कैसे पहुंच पाओगे, जल जाओगे। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे, मतलब थर्ड टॉपिक की सेकेंड टॉपिक, कि एक ऐसा यान बनाया गया है जो जलेगा भी नहीं, ट्रैवल भी करेगा लाइट की स्पीड से, क्या हम सफल हो जाएंगे जाने में? तो भी हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि आप 2050 में हो तो 2050 से आप 2010 में आना चाहते हो, तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? अगर वो चीज़ उतनी स्पीड से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए भी कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो रुक सके। अगर उसे होने उसको रोकने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है 2010 में, तो यहाँ पे किसी को होना चाहिए जिसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रखना पड़ेगा, इस चीज़ को बनाना पड़ेगा, उसको नॉलेज होना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ बनाए तो ये यान यहाँ आके रुक सकता है। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी यान है उसके अंदर की जो समय है वो 2050 के ही रहे, लेकिन बाहर की जो समय है मतलब बाहर की दुनिया उसकी जो समय है वो 2010 की हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? शायद ये पॉसिबल भी हो, लेकिन वो आके जहाँ रुकेगा वो जगह वो मशीनरी कौन बनाएगा? क्योंकि उस वक्त में तो आप होंगे नहीं, क्योंकि वो मशीन वहाँ पे ही है, तो आप वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते। अगर आप लैंड नहीं कर सकते तो वो मशीन बनाएगा कौन? अगर वो मशीन बना कोई नहीं पाएगा तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, गौर से सोचना पड़ता है उसके बाद आपको समझ में आता है। चलो अगर ऐसा भी मान ले कि कोई ऐसा मतलब चीज़ बना लिया, कोई ऐसा यान बना लिया जिसको कहीं पे लैंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम से उस वक्त पे जाके रुक जाएगा। तो जैसे ही हम उस वक्त में चले गए उस टाइम पे तो वो मशीन हुआ ही नहीं करता था, तो जैसे ही हम उससे निकले तो वो चीज़ क्या वहाँ पे होगा? ये भी सोचने वाली बात है। तो ऐसे में क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है? तो मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आज के टाइम में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे आपको पता है साइंस धीरे धीरे तरक्की कर रही है और जितनी स्पीड से कर रही है शायद इतनी स्पीड में कुछ ही दिनों में तो कहना मुश्किल होगा कुछ आने वाले साल में टाइम मशीन इन्वेंट कर ले, लेकिन ये कोई आसान चीज़ नहीं होगा, क्योंकि टाइम एक
मतलब पारदर्शी कांच की तरह है, जिसके साथ अगर छेड़खानी किया जाए तो वो आसानी से टूट जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस इंसान ने तोड़ा सिर्फ उसी की लाइफ को इफेक्ट करेगा, यह हम सबकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। कहा जाता है टाइम एक पेड़ की तरह है, जो शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ से एक साथ होता है, आने के बाद फैल जाता है। तो ऐसे में अगर उसकी जो जड़ है उसको हिला दिया जाए, पूरी टाइम स्ट्रीम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हमारा वक्त जो है रुक जाए, हम सब एक ही जगह पे रुक जाए, चल फिर नहीं करें, ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ये हो सकता है आज की साइंस में नहीं, 50 साल 100 साल बाद की साइंस में हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो लोग हमसे मिलते क्यों नहीं है? इसका मतलब एक ही है कि वो लोग हम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो जगह नहीं है जहाँ पे वो यान रुकेगा। मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो ये साफ हो जाता है कि किसी भी यान को कहीं से कहीं आने में, कहीं रुकने में एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगा ही होगा। उस हार्डवेयर को मौजूद रहना होगा जो कि उस यान को वहाँ पे रख सके, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आके छूट गया तो वो तो अपने वक्त में वापस चला जाएगा, या उस वक्त पे वो होगा ही नहीं, तो उसका मौजूद ही नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्या टाइम ट्रेवल होता नहीं है? टाइम ट्रेवल होता है, और इंसान जब से आया है उससे पहले से, ये सौरमंडल बनने से पहले से टाइम ट्रेवल हो रहा है। तो कैसे होता है ये टाइम ट्रेवल? होता है स्पेस में। जो ब्लैक होल होता है वो पेन की तरह कुछ कुछ दिखता है, एकदम छोटा सा एक पेन, ऊपर की तरफ खुला हुआ और नीचे की ओर जुड़ा हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्लैक होल होता है ये हर एक चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। ये इतना पावरफुल होता है कि इससे लाइट भी नहीं बच सकता, लाइट भी इसके अंदर खींचा चला जाता है। तो उस जगह पर अगर हम चले जाएँ तो पॉसिबल है कि हम भी समय यात्रा कर सके, लेकिन उसका जो एहसास है वो हम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो चीज़ अपने अंदर हर एक चीज़ को खींचती रहती है। तो हम जब अंदर जाएंगे हम भी वक्त के साथ रुक जाएंगे, और जब वो चीज़ अपने अंदर से एक एक्सरे रोशनी निकलता है, इस पार उस पार हो जाता है, तब वो हमें अलग एक डायमेंशन या अलग एक गैलेक्सी में छोड़ देगा। और इंसान की बॉडी जब भी उस टाइम से बाहर आएगा, कुछ नैनो सेकेंड्स के अंदर ही ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा और हम मर जाएंगे। तो ऐसे में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमने टाइम ट्रेवल कर लिया है। तो लाखों करोड़ों साल हम जिंदा तो रहेंगे लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, हमारी दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और टेक्निकल सागर जी को मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सर मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप ज़रूर बोलिए आपको कैसा लगा, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, अगर आप कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।